अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का आखिर मुकदम है। आज हम असद खान सोसाइटी के इस इलाके में मौजूद हैं जहां कई सारी बुनियादी जरूरतों से लोग महरूम हैं। लिहाजा इस बार जो जनरल मीटिंग बुलाई गई कॉरपोरेशन में, उस वक्त इमरजेंसी फंड को लेकर काफ़ी बहस मुबासा देखने को मिला, यही चर्चा का मौजू रहा। लिहाजा हमारे साथ आज मौजूद हैं कॉरपोरेटर रेशमा भैरकदार। कॉरपोरेशन में जनरल बॉडी मीटिंग में जिस तरह से इमरजेंसी फंड जो 1.5 करोड़ का था समुदाय भवन के लिए खर्च किया गया, उस पर तुमने एतराज़ किया और आवाज़ भी उठाई, तो आपकी मांग क्या है कि आप उस फंड को इस तरफ यहाँ पर खर्च करना चाहते हैं? सर, मेरी क्या बात नहीं है बोले तो, ये 1.5 करोड़ रुपए जो इमरजेंसी फंड है इसके बारे में हमने नॉलेज को नकता। पहला हमने कॉरपोरेशन में बताया गया कि 40 लाख रुपए सैंक्शन करते वार्ड फंड बोल को, बाद में 40 से 26 आया, 26 से 11 लाख 90 हजार रुपया, पहला 40 लाख रुपीज, बाद में 26 लाख रुपीज, बने 11 लाख रुपीज, 90,000 हमने ऐसा बजट बताया गया। तो हमें AEE को लेकर यहाँ असद खान सोसाइटी के रोड्स, ड्रेनेज, जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बताते गए, इसे AEE को बताए, तो उन्होंने एस्टिमेशन बनाए सर, बनाए, बाद में इन्होंने क्या बोलते हैं कि इनके पास फंड नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है करके बोलते। जब हमने काउंसिल में माल, बाद में थोड़े दिन के बाद में बारिश चालू हुई, बारिश चालू हुई के बाद में हमें मेयर और उपमेयर मैडम को यहाँ बुला को ये सब चीज़ें दिखाए, ऐसा ऐसा हमना यो इमरजेंसी में हमना यो हुआ वत्ता, जल्दी काम करके दो, नहीं तो भी 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे सर रोड बनाने के लिए, जो भी ड्रेनेज का है वो भी करने के लिए 25 से 30 लाख रुपए लगेंगे, मैं नहीं कर को नहीं बोल रही, मगर एटलीस्ट 10-12 लाख 15 लाख का तो काम होना नहीं सर, मगर नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। टोटली हमारे अपोजिशन लीडर मुजम्मिल डोनी को भी उन्होंने नहीं, या तो फंड आए क्या, भी इमरजेंसी है क्या तुम्हारे वार्ड में, तुम्हारे जो ग्रुप में इमरजेंसी है क्या, वहाँ का क्या भी काम करने का है क्या करके उन्होंने पूछे नहीं, उन्होंने पूछे भी नहीं, उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिए भी नहीं, ये अपोजिशन उन्होंने है नहीं, हमें रूलिंग है, हमें क्या करे चलता है करके यो चला ले। सत्ता और विपक्ष की बहस में कई सारी जगह पर बुनियादी जरूरतों से आवाम महरूम होती जा रही है, तो ये बहस को बाजू रखते हुए तरक्याती कामों को अंजाम क्यों नहीं दिया जा रहा? सर देखो सर, कॉरपोरेशन में है नहीं, जो सत्ता है वो BJP की है सर, मेयर जो है वो BJP की है, उन्होंने खाली अपने 35 कॉरपोरेट, मेयर मैडम मैंने 58 कॉरपोरेटर, आपके विपक्ष में भी कई सारे तजुर्बेकार कॉरपोरेटर्स हैं, वो आपको नहीं बताए? नहीं सर, कोई नहीं बताया। जब मैंने काउंसिल में मुझे पता चला कि 1 करोड़ रुपए मेयर को हुआ है और डिप्टी मेयर को 50 लाख रुपए सैंक्शन हुए, तो ये क्वेश्चन रेज करी मैं सर, यहाँ के हालात बहुत दिन ब दिन आए दिन खराब ही होते जा रहे हैं, और हमें वेट वैक्स भी लाकर डाले सर, इधर थोड़े जगह पर डाले, वो भी वो चूड़ा कैसा पिट पर डालते हैं वैसा डाले सर, वेटमैक्स भी नहीं है कर को बोलते हैं, फंड भी नहीं है कर को बोलते हैं, फिर ये इमरजेंसी फंड आया कहाँ से, रिजर्व फंड आया कहाँ से, आया तो इस्तेमाल हुआ क्यों नहीं? भवन इम्पोर्टेंट है क्या, कमान इम्पोर्टेंट है क्या, यो सिचुएशन इम्पोर्टेंट है, ये देख रहे हैं तुम्हें रोना कैसे है सर, यहाँ है ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम है, ड्रेनेज अगर फुल हुआ, अगर बराबर से पास नहीं हुआ, कहाँ भी ब्लॉकेज हुआ, तो क्या होता है ड्रेनेज का पानी है नहीं, जो टैप वाटर है नहीं उसे मिल जाता, मिल जाने के बाद में कंडमनेशन वाटर चालू होता, और लोग आए दिन बीमार भी पड़ रहे हैं, और ऐसी सड़क में अभी देखे आप पूरा जायना के, ऐसी सड़क में एक शुगर पेशेंट चलता है, कहाँ भी उसे खरोश आती है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हैं सर, ये आए दिन क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है सर, आप है ना 1-2-3 दिन भी अभी आए आप सर्वे ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसा वो उलट पुलट होने लगा है, क्या बच्चे खेलने का मुश्किल है, वो फतरे हैं नहीं कभी कभी घरों को लग रहे हैं जाते वक्त, आप देखें वो जो एरिया है वहाँ तो ट्रैफिक हमेशा 24 घंटे चालू रहता है, क्योंकि वही रोड मेन है, वहाँ से नहीं अहमदनगर को जाता है, अहमदनगर से वीरभद्रनगर को जाता है, तो मेरा कहने का क्या है, यो इम्पोर्टेंस अभी मेयर मैडम को बोले, डिप्टी मेयर को बोले, उन्होंने यो सिचुएशन सर अभी तक आए नहीं सर, अभी तक उन्होंने आँखों झाँके नहीं सर, यो वार्ड को एटलीस्ट मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है कि सही है, आँखों देखे नहीं सर, नहीं देखे सर, मैं क्या बोल रही हूँ 58 जो काउंसिलर हैं मेयर उनके हैं कि खाली 35 इनके, 21 हमें हैं अपोजिशन में, 1 लाख के वार्ड में 5 लाख का काम करे सो बता दे सर,
बता दे, मैं नहीं कर को नहीं बोले, अगर उन्होंने बताया तो मैं चुप बढ़ती हूँ। अपोजिशन लीडर को भी अगर उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस में लेते तो हमें मामला नहीं छेड़ते थे, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं सर। उन्होंने हमने कौन सी भी चीज़ बताने को भी तैयार नहीं है, और जो भी हो रहा है उनके जो होता है वो पास होता है, बाकी का नहीं होता। दो तीन इश्यूज़ हैं सर अभी, यानी वो फाइनेंस और टैक्सेशन में मीटिंग में रखने वाले हैं, हेल्थ सेक्शन कमिटी जो है वहाँ रखने वाले हैं, देखेंगे उसमें तो सैंक्शन होता है कि नहीं। मुकामी यहाँ पर लोगों की क्या शिकायत है सर, बताओ जी। रास्ते की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, और बच्चे वगैरह खेलते हैं इधर, तो उनके लिए बहुत परेशानी है, पूरा रोड टूटा फूटा हुआ है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द रोड बना के दें। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल जो है पानी का मसला है, और ड्रेनेज उसमें पानी जो मिक्सअप हो रहा है, इसकी वजह से पानी पीने के लायक नहीं है यहाँ। तो सबसे पहला मैं तो मेरी मुआदबाना गुजारिश कि यहाँ पहले पानी के मसले को हल किया जाए, उसके बाद रोड बना सकते हैं, जरूरी चीज़ है। अहमदनगर का मेन रोड है, देखो हाँ मेन रोड है, वो चले जरा रास्ता हमारा सीधा करके दो। गाड़ियाँ और बच्चों को भी देखते नहीं, जाके छोड़ते, स्लो स्पीड ब्रेकर है, स्लो जाना, ऐसा कुछ नहीं करते। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें बाहर भी नहीं छोड़ते। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ रोड की बहुत प्रॉब्लम होती है, जल्द से जल्द रोड का इंतजाम करें। 10 साल से प्रॉब्लम हो रही है रोड की, रोड का इंतजाम करो। हमारे जो घर के रास्ते है ना, वो जाने आने का मेन रोड है सर। जो रास्ते पे जो हमारे चीज रास्ता है वो रास्ता खराब है मेन, और जो स्पीड ब्रेक है, स्पीड ब्रेक के ऊपर जब जाते हैं तो स्लो लेके जाना नहीं, वो बच्चों का जो देखते नहीं कुछ भी, ऐसा लेके जाते हैं स्पीड में, और वो उधर हादसा होते रहता है। हमारे बच्चों का हमें हमेशा घर पे रखना, और जब भी हम ना गर्म हो रहा है बोल के ऐसा दरवाजा रखे खुला, तो पूरा पत्थर सीधा अंदर आते हैं सर। तो किचन में आके कुछ खाने को बैठे रहे तो बर्तन में आते हैं, और बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, ऐसा सब प्रॉब्लम हो रहा है। और पानी जो भी बारिश कर रहा था पूरा घर के सामने ही रुक के छोड़ता है। जो सामने बिल्डिंग वाले धोते हैं ना पानी, वो भी हमारे चंगन के अंदर, हमारे छोटे घर है, बड़े नहीं है ना, उन्हें चेम्बर पर पानी छोड़ते हैं, हमारे घर के अंदर ही पानी लेने का। हम भी ज्यादा छे खड्डे भी ज्यादा छे, जल्दी से जल्दी कर को दो रोड ना बना के दे तो बहुत मेहरबानी होती है। हमारे साथ मौजूद है विपक्ष के लीडर जनाब मुजम्मिल धोनी साहब। मुजम्मिल धोनी साहब, कई सारी चीज़ें का जायज़ा यहाँ लिया गया, बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं यहाँ पर लोग, इतनी बड़ी कॉलोनी है, बारहा हमने देखा है कि बाढ़ का भी पानी आता है, अब ड्रेनेज है तो ड्रेनेज के पानी में पीने का पानी मिला हुआ है, पी नहीं सकते। रेशमा मैडम, अब इसी पर एक आवाज़ उठाते हुए, क्योंकि जनरल बॉडी मीटिंग में इमरजेंसी फ़ंड को लेकर भी बहस हुई, आपने भी उस पर बात किया था, क्या फैसला किया सर आप? आपने कहा कि यहाँ बहुत दिनों से डेवलपमेंट का काम पेंडिंग है, जैसा कि लॉकडाउन के बाद में हमारे यहाँ, इसके पहले तो 5 साल जो 18 से 23 तक जो यहाँ के पहले के जो बीजेपी जो गवर्नमेंट थी, खास करके हमारे आसतकान सोसाइटी हो, बहुत जगह काम नहीं हुआ है। इसलिए रेशमा मैडम, तो कम से कम मेरे हिसाब से 3-4 महीने से जो ड्रेनेज के अंदर जो नल का पानी, जो नल ड्रेनेज का पानी जो नल के अंदर मिक्स हो रहा है, इसलिए इमरजेंसी सबसे पहले 5 लाख रुपये काम इनसे स्टार्ट करने का प्रपोजल हमने लाए थे, लेकिन महापौर मैडम ने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है करके बोल के। तो उसी मुद्दे पर मैंने बात की कि हम आपके पास समुदाय भवन बनने के लिए 40 लाख रुपए है, कमान के लिए 15 लाख रुपए है, बाकी इन जो कि ज़रूरत नहीं है वहाँ आप खर्चा कर रहे हैं, जहाँ खर्चा करने की ज़रूरत है वहाँ नहीं कर रहे। फिर भी एक यहाँ पे जो 37 कॉर्पोरेटर्स बीजेपी के हैं, मनमानी उनकी चली है, आने वाले दिन में हमने आज डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब, हमारे पर नॉर्थ एमएलए रवि सेठ साहब के साथ में भी चर्चा करके जो फंड मिस यूज़ हो रहा है उसके बारे में भी हम करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने भी 25 लाख रुपए और नॉर्थ एमएलए साहब ने भी फंड देने का हमें वादा किया है। जल्द से जल्द जहाँ भी, खास करके मैडम का वार्ड है, यहाँ जो भी समस्या है इसे पूरा करने की जल्द से जल्द कोशिश करके पूरा करेंगे। इमरजेंसी फंड की बात हो रही है सर, अगर ना भी आए तो हुकूमत तो आप ही की है, तो सर आप क्यों नहीं कर सकते? हुकूमत हमारी है, लेकिन जो कि सत्ता में वो है, हुकूमत हमारी है, लेकिन जो घर घर 2000, फिर लाइट की बिल, फिर बस का और चावल का जितना भी पैसा उसमें खर्चा हो गया है, अभी सामने तो अभी फंड हमारे पास बाकी नहीं है। फिर भी नॉर्थ एमएलए साहब और डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब ने 25 लाख और 12 लाख रुपए एक फंड और एक 5 लाख रुपए इमरजेंसी का, एक 40 से 45 लाख का काम हर वार्ड में जल्द से जल्द होने की बात कर रहे हैं, और जैसे ही 1-2-4 महीने के बाद में हमारे साहब मिनिस्टर साहब ने हमें वादा किया है कि
बड़ा फंड बड़े हिस्से में हर वार्ड को कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ देंगे, और हमें लग रहा है कि एक सीनियर कॉर्पोरेटर होने के नाते कुछ तो सिस्टम में चेंज होना जरूरी है, क्योंकि हम भी कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन में फंड नहीं है। डेवलपमेंट होता है दो टाइप का, एक इनकमिंग इनकम, एक आउटगोइंग इनकम। तो पिछले 15 साल से हमारे कॉर्पोरेशन का जो रेनो आ रहा है 50 से 60 करोड़ रुपए, यहाँ कहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है, इसके ऊपर हमारी नज़र है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम उसको भी पूरा करके आने वाले दिन में कम से कम 58 वार्ड में कम से कम वार्ड बजट 1 करोड़ रुपए हम लोगों को देने का हमारी ये है। इसलिए मैंने परसों जो मीटिंग थी वो मीटिंग के अंदर मैंने कहा कि अगर अपोजिशन जो हमारे जो बजाय तरक्कियाती कामों पर बहस करते हैं, आप दूसरे बातों पर कॉर्पोरेशन की जनरल मीटिंग ये नजर होती जा रही है, इनके बहस के फिजूल बहस देखने को मिल रहे, बजाय इसके तरक्कियाती कामों पर आप लोग तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? हम भी वही कह रहे हैं कि हमें भी लगता है कि पिछले 3-4 काउंसिल, एक काउंसिल में 23-24 का फाइल अगर कमिश्नर फाइल मिसिंग हुए, महापुर के ऊपर ये हुआ, फिर एक कॉर्पोरेटर के ऊपर हमला हुआ, फिर हमारे जो हनुमान नगर के कॉर्पोरेटर है उन्होंने कुछ लेटर दिए, 3-4 मीटिंग खाली फालतू के गए हमें मालूम है। और मीटिंग जब होती है पब्लिक का पैसा उसमें ही होता है, जैसा कि एक मीटिंग के अंदर वहाँ पे खाने का इंतजाम होता है, चाय का इंतजाम होता है, पूरे ऑफिसर्स को हम जब लेके बैठते हैं, कम से कम मेरे हिसाब से एक काउंसिल के पीछे कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए उसके पीछे खर्चा होता है। ये पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है हमें मालूम है कि, लेकिन हम अपोजिशन होने के नाते हमारे बहुत से 21 से 22 हमारे कॉर्पोरेटर है, 37 उनके कॉर्पोरेटर है, तो उनकी मनमानी चली है। हम उनको से वही आवाम का कहना ये है कि यहाँ पर उन्हें साफ पीने का पानी तक मयसर नहीं हो रहा, और आप लोग काउंसिल की मीटिंग के बाद काजू बादाम खाते हैं। बराबर सही है आपका बात, लेकिन हम जो है अपोजिशन है, जो भी काजू बादाम पिस्ता बिरयानी या कुछ भी रखने का है वो सिस्टम जो है बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स के पास है, हमारे पास नहीं है। हमें लगता है कि हमें भी बुरा लग रहा है कि यहाँ पे लोगों को पीने की पानी की ये नहीं है, और हम बढ़ के वहाँ ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और पब्लिक ने बहुत मार्जिन से उनको, अभी बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स को ऐसा लग रहा है कि 35-37 कॉर्पोरेटर्स आने के बाद में हमारे जैसा कोई नहीं, तानाशाही कॉर्पोरेशन के अंदर चली है। इंशाल्लाह हमने एक नेक्स्ट काउंसिल में भी इस आवाज़ को उठाया, आने वाले दिन में हम ये सब जो एक्टिविटीज चली है इसे बंद करेंगे। और आपने जैसे कहा कि सत्ता हमारी, जैसे कि सेंट्रल स्टेट में हमारी सरकार है, इंशाल्लाह अभी ये जैसा कि मैंने कहा कि स्कीमों को लेके बहुत खर्चा हुआ है, फिर भी इसको हम क्या भी करके बोल के सेविंग्स करके आने वाले दिन में पब्लिक का जो भी काम है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।